सभी दवाइयों का बाप है यह पौधा। 4 दिन इसके सिर्फ 2 फूल पानी में भिगोकर खा लो, पूरी जिंदगी शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, ब्लड प्रेशर की बीमारी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो दिखने में हमारे चारों तरफ कहीं भी हमें मिल जाता है, मगर इसके गुण हमें ना मालूम होने के कारण हम इसको ऐसे ही खरपतवार की श्रेणी में रखकर इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। मगर दोस्तों ये साधारण सा दिखने वाला पौधा कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पेट के रोग, मोटापा आदि बीमारियों का एक रामबाण इलाज है। दोस्तों इस पौधे का नाम है सदाबहार। इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि ये 12 महीने इस पर पूरे वर्ष फूल आते हैं, इसलिए ही इसको सदाबहार और 12 मासी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मराठी में सदाफूल, नेपाली में सदाबहार, मलयालम में उसाम लारी, यानी बहुत सारी भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पौधे के चमत्कारी फायदों के बारे में और उसके बाद आपको बताएंगे इसको आपने लेना कैसे है। डायबिटीज के रोग के लिए सदाबहार का उपयोग। दोस्तों सदाबहार के पूरे पौधे में लगभग 150 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं दोस्तों, जिनका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट रक्त में शुगर के लेवल को कम करने में बेहद अधिक लाभकारी है। दोस्तों ये एल्कलॉइड पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पैनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन निकालने लगते हैं। और दोस्तों इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को संतुलित करके रखता है, और यानी कि आप सदाबहार के पौधे का प्रयोग करके इस डायबिटीज की बीमारी को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन सब से भी बच सकते हैं। दोस्तों ये इतना अधिक चमत्कारी है डायबिटीज रोग के लिए, यानी इस डायबिटीज की बीमारी से तो बचाएगा ही, प्लस इसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचा कर रखेगा। दोस्तों क्या आपको पेट के रोग है और आप अपने इन पेट के रोगों की समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज करना चाहते हैं और अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों, तब भी ये पौधा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि जिस विधि से इसका सेवन हम आपको बताएंगे, यदि आप उस तरीके से इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बन जाएगा। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आपको पेट का कोई भी रोग नहीं होगा, यानी आपको पेट में गैस, कब्ज और ये एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। और दोस्तों हमारे शरीर के जो भी मैक्सिमम रोग होते हैं वो हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। दोस्तों इन पेट के रोगों के कारण हमें मोटापा आता है और फिर मोटापा सभी बीमारियों का कारण बन जाता है, यानी यदि ये आपके पेट के रोग बिल्कुल सही होंगे तब आपको किसी भी तरह की बीमारी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा, कब्ज, गैस और एसिडिटी आपकी सही हो जाएगी। दोस्तों क्या आपको मोटापा है और आप अपनी पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं दोस्तों, तभी ये पौधा आपके लिए वरदान है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पौधे के प्रयोग से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और जब आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा तब आपको मोटापा आएगा नहीं, और जो आपके पेट की बड़ी हुई चर्बी है वो भी मक्खन की तरह पिघल जाएगी, जिससे आप बिल्कुल स्लिम और फिट बन जाएंगे और आप अपने शरीर की हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पेट के रोगों के कारण हमें मोटापा आता है, जब पेट के रोग सही होंगे तब आपको मोटापा नहीं आएगा, और जब आपको मोटापा नहीं आएगा तब आपको आपके शरीर की कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इतना चमत्कारी है ये पौधा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सदाबहार के पौधे का प्रयोग। दोस्तों इस सदाबहार में ऐसे एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ये उच्च रक्तचाप के लिए अत्यंत प्रभावशाली है, इसलिए इस पौधे का प्रयोग करके आप अपनी हाइपरटेंशन की समस्या का इलाज कर सकते हैं, इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या है? आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने इस बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करना चाहते हैं, इसके साथ में हार्ट ब्लॉकेज का भी इलाज करना चाहते हैं और इस हार्ट अटैक से भी बचे रहना चाहते हैं दोस्तों, तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रयोग से जो आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपकी शरीर की कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज हो जाएगा। और जब आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ेगा, उल्टा
बेटा आपका दिल मजबूत बन जाएगा, यानी ये सदाबहार का पौधा आपकी इन तीनों ही समस्याओं का इलाज कर देगा। दोस्तों इस सदाबहार के पौधे का प्रयोग करके आप अपने शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों कैंसर रोग में सदाबहार का प्रयोग। दोस्तों सदाबहार में ऐसे एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो एलोपैथी में इनके ऊपर अलग अलग नामों से इंजेक्शन भी आते हैं, जो मुख्यतः कैंसर के रोगियों को दिए जाते हैं। ये कैंसर के कीमोथेरेपी के साथ साथ उसके इलाज के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों कैंसर के रोगियों के लिए भी ये सदाबहार का पौधा एक वरदान की तरह काम करता है और उनको इस रोग से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी सदाबहार के पौधों का आज से ही प्रयोग शुरू कर दीजिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग आपने करना कैसे है। दोस्तों इसका प्रयोग आप तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला इसके पत्तियों का प्रयोग, दूसरा इसके फूलों का प्रयोग, यानी आप इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग बताते हैं फूलों वाला। आपने दोस्तों इसके दो फूल लेने हैं और उनको रात भर पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह बासी में आपने उस पानी को पी लेना है। ये हो गया इसका पहला प्रयोग, और यदि आप ऐसा करेंगे तब इससे भी आपको सेम फायदे मिलेंगे। दूसरा प्रयोग, आप इसके दो पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर ऐसे ही सुबह खाली पेट यानी कि बासी मुंह चबाकर खा सकते हैं। ये हो गया इसका दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, इसके आप दो पत्तों को अच्छी तरह धोकर रात भर के लिए दो एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उस पानी को भी पी लीजिए और उन पत्तों को भी चबा चबा कर खा लीजिए। ये हो गया इसका तीसरा प्रयोग, यानी तीन तरीकों में से आप किसी भी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब आपको सेम ही फायदे मिलेंगे। ये तो हो गए दोस्तों इसके फायदे की बात। अब जानते हैं इसके कुछ नुकसानों के बारे में, क्योंकि दोस्तों किसी भी पौधे के जितने भी फायदे हों उसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ये बात तो आप जानते हैं, और उनमें से सदाबहार भी एक है। दोस्तों सदाबहार के पत्तों यानी कि फूलों का प्रयोग आपको अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो इससे आपके शुगर का लेवल लो हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है यानी कि अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है, और लगातार आप 21 दिन प्रयोग करने के बाद 1 से 2 हफ्ता आप इस प्रयोग को बंद कर दें, उसके बाद आप दोबारा शुरू करें। यानी लगातार किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि आप उसके संपूर्ण फायदे लेने चाहते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही सदाबहार के पौधे का प्रयोग शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को हर तरह की बीमारी से बचा लीजिए, क्योंकि ये पौधा आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।